हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन डोंट सेलेक्ट, आज हमारा लेक्चर नंबर 22 रहेगा। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में, और स्पीसीज इंटरेक्शन के अंदर में हम पर्टिकुलर यहाँ पे बात करेंगे कॉम्पिटिशन के बारे में। पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्पीसीज इंटरेक्शन हमारा एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे टर्म होती है इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोलॉजिकल कम्युनिटी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक हमारी जैसे कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे कोई लोकेशन होगी, इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमारे यहाँ पे स्पीसीज जब यहाँ पे रहती है, दो या दो से ज्यादा अगर हमारे यहाँ पे स्पीसीज, जैसे कि यहाँ पे हमारे स्पीसीज 1 हो गई, उसके अलावा यहाँ पे हमारे स्पीसीज 2 हो गई, एक और हमारे यहाँ पे स्पीसीज 3 हो गई, तो जो हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज रहती है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कम्युनिटी को हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे जब हमारी एक कम्युनिटी अगर रह रही है, तो उसके अंदर जैसे कि हमें पता ही है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई पड़ोस अगर यहाँ पे है, कोई अगर यहाँ पे जैसे कि शहर हो गया या फिर कोई गांव हो गया, तो उसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अलग अलग हमारे यहाँ पे हाउसेज होंगे, जैसे कि एक घर यहाँ पे हो गया, ये एक घर यहाँ पे हो गया, एक घर यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो ये आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज एक कम्युनिटी के अंदर हमारे यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीसीज इंटरेक्शन। अब जो स्पीसीज इंटरेक्शन है वो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि हर्बिवोर हो गया, कंपटीशन हो गया, अमेंसिलिज्म हो गया, कमेंसिलिज्म हो गया, डिफरेंट इसके हमारे यहाँ पे टाइप होते हैं, और उसी में से हमारे यहाँ पे एक टाइप आता है कंपटीशन, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्पीसीज इंटरेक्शन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज एन असेंबल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट टू स्पीसीज इंटरेक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद इन ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। जो हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है वो हमारी क्या होती है, ये हमारी एक असेंबलेज होगी किसकी, पॉपुलेशन की, और किसकी पॉपुलेशन, एटलीस्ट टू स्पीसीज की, कम से कम हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज होनी चाहिए जिनकी पॉपुलेशन आपस में हमारे यहाँ पे जो असेंबल होकर रह रही है और आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो वो हमारे यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी को। ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। इन इकोलॉजी ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इज द इफेक्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन कम्युनिटी हैज ऑन ईच अदर। जो हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन या फिर जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज इंटरेक्शन है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा इफेक्ट होगा किसका, इफेक्ट ए पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पॉपुलेशन, पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन ही होगा हमारा, इफेक्ट होगा एक पॉपुलेशन का, ठीक है, लिविंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी जो कि हमारे यहाँ पे एक साथ में रह रही है किसी दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर। एक हमारे यहाँ पे ए पॉपुलेशन है, एक हमारे यहाँ पे बी पॉपुलेशन है, तो जो ए पॉपुलेशन यहाँ पे बी पॉपुलेशन के ऊपर या फिर बी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे ए पॉपुलेशन के ऊपर जो यहाँ पे इफेक्ट डालेगी, उसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज इंटरेक्शन या फिर बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। स्पीसीज इंटरेक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिएंट साइकिल एंड फूड वेव्स। जो भी हमारे यहाँ पे इकोलॉजी के अंदर डिफरेंट यहाँ पे हमारे साइकिल्स वगैरह चलते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है या फिर प्रोसेसेस होती है, उसका जो बेस रहेगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्पीसीज इंटरेक्शन ही होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं, तो न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज हमारे यहाँ पे इंक्लूड रहती है, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें फूड वेब के लिए, तो फूड वेब के अंदर भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी और यहाँ पे फूड वेब की फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम है उसके लिए जो हमारे यहाँ पे बेसिक कॉम्पोनेंट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, स्पीसीज इंटरेक्शन। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन कैन बी डिफाइंड एज एदर इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक हमारा क्या रहेगा, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आर दोज दैट अकर बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, व्हाइल द इंटरेक्शन दैट अकर बिटवीन द टू और मोर स्पीसीज आर कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास ये वाली यहाँ पे स्पीसीज हो गई, दूसरी हमारे यहाँ पे एक ये वाली स्पीसीज हो जाती है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बी स्पीसीज हो गई और एक तरफ हमारे यहाँ पे ए स्पीसीज है, ये ए स्पीसीज के यहाँ पे इंडिविजुअल हो गए, ठीक है, जैसे कि इसके अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल बना के चलते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, जो हमारी ए स्पीसीज है इसके हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे यहाँ पे अलग अलग इसके इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल 1 हो गया, एक 2 हो गया, 3 4, इस तरीके से इसके यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल हो गए। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे बी स्पीसीज होगी इसके भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग यहाँ पे इसके इंडिविजुअल होंगे, जैसे कि यहाँ पे हो जाते हैं सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, बी हमारे यहाँ पे एक स्पीसीज है और इसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट इसके इंडिविजुअल है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज इंटरेक्शन है उसके हमने यहाँ पे आपको दो टाइप बताए, एक हमारे यहाँ पे कौन सा होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक हमारे यहाँ पे होता है इंटर स्पेसिफिक। पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इंट्रा स्पेसिफिक, तो इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है कि एक हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज है और उस स्पीसीज के जो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे वे आपस में जो इंटरेक्शन यहाँ पे शो करेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन आर दोज दैट अकर बिटवीन
इंडिविजुअल, डिफरेंट जो इंडिविजुअल होगी उनके बिटवीन में यहाँ पे जो हमारी इंटरेक्शन होगी, और द सेम स्पीसीज, जब एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में जो यहाँ पे हमारी इंटरेक्शन होती है उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। और अगर हम यहाँ पे बात करें व्हाइल द इंटरेक्शन दैट अकर बिटवीन टू और मोर स्पीसीज आर कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, अगर ए यहाँ पे हमारी जो स्पीसीज है वो बी स्पीसीज के साथ अगर यहाँ पे कोई इंटरेक्शन अगर शो करेगी तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो हमारे इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैचेस अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल जो यहाँ पे मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट नेशन के बीच में, जैसे कि यहाँ पे हमारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इनके बीच में यानी कि अलग अलग नेशंस के बीच में, अलग अलग कंट्री के बीच में जो यहाँ पे मैचेस होंगे उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल। और अगर एक ही कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अगर यहाँ पे मैचेस होते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल। क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप की हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाती है, एक हमारे यहाँ पे इंटर और एक हमारे यहाँ पे इंट्रा। स्पीसीज इंटरेक्शन में भी शॉर्ट टर्म लाइक पोलिनेशन एंड प्रेडेशन, और लॉन्ग टर्म बोथ ऑफन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज इन्वॉल्व। जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज इंटरेक्शन है वो हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें पोलिनेशन के लिए या फिर प्रेडेशन के लिए, एक यहाँ पे हमारा प्रेडेटर है, एक यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रे हो गया, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, उसको खा जाएगा, बात करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म हमारे यहाँ पे स्पीसीज इंटरेक्शन हुई, एक हमारे यहाँ पे हो सकती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ए इंडिविजुअल है, एक यहाँ पे बी है, ठीक है, ये इसको यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवा रहा है और ये इसको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, तो इनकी जो यहाँ पे इंटरेक्शन चलेगी वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन इनकी चलने वाली है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन, स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन आर शॉर्ट लिव्ड इन टर्म ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ए सिंगल इंटरेक्शन, ए प्रेडेटर किल एंड ईट्स ए प्रे एंड ए पोलिनेटर ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, बट दे आर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल रिगार्डिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द बोथ पार्टनर। जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन है वो यहाँ पे कहने को तो देखो छोटे टाइम के लिए हुई है, थोड़े टाइम के लिए हुई है, लेकिन जो उसका इन्फ्लुएंस है ना वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कई बार जैसे कि अगर मैं बात करें प्रीडेटर और प्रे के लिए या फिर जो पोलिनेशन वगैरह होती है उसकी वजह से हमें यहाँ पे इवोल्यूशन भी देखने को मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं या फिर जो यहाँ पे पोलिनेटर होंगे या फिर जो यहाँ पे प्रीडेटर या फिर प्रे होते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे हमें डिफरेंट चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आगे जाके हमारे यहाँ पे एक इवोल्यूशनरी चेंज के अंदर हमारे यहाँ पे उसको वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, स्पीसीज इंटरेक्शन, उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हम यहाँ पे आज लेके चलते हैं जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंपटीशन हमारा जो नॉर्मल अगर हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज में लेके चलते हैं, तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, हम ये जो प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे सी एस आई आर नेट जे आर एफ के लिए। ठीक है, सी एस आई आर नेट जे आर एफ हमारा हो गया। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे बैट जे आर एफ हो गया, डीबीटी बैट जे आर एफ, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे गेट के लिए। ठीक है, तो अलग अलग हमारे यहाँ पे एग्जाम हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हमारा रैंडम एग्जाम हो सकता है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे डिफरेंट एस्पिरेंट्स होंगे, जो यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे उनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन होता जाएगा, ठीक है, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल हो गया, एक यहाँ पे सेकंड हो गया, एक यहाँ पे थर्ड हो गया, एक यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखो पहले तो क्या था कि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा नहीं था, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक हमारे यहाँ पे सिंगल एस्पिरेंट था, ठीक है, और इसको यहाँ पे एग्जाम देना था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करें कि कोई क्लास यहाँ पे हो जाती है एक पर्टिकुलर, और इस क्लास के अंदर सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल है, तो अगर इस क्लास में से अगर हम टॉपर को यहाँ पे देखेंगे तो एक ही अकेला यहाँ पे स्टूडेंट है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारे यहाँ पे टॉपर भी होगा। ठीक है, ये आराम से अपने एग्जाम दे रहा है, आराम से टॉपर यहाँ पे बन रहा है, कोई इसको दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे दो इंडिविजुअल हो जाते हैं, दो हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे ये इजिली जहाँ पे जो टॉप कर रहा था इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे और भी ज्यादा एस्पिरेंट हो जाएंगे, और भी ज्यादा अगर इस क्लास के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर 50 स्टूडेंट्स होंगे, तो सबको सबको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा टॉप करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, सी एस आर नेट जे आर एफ के लिए अगर यहाँ पे जितने ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे होते रहेंगे तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पिटिशन भी होता रहेगा। और एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि इन सबको यहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करें कि इस एग्जाम के लिए, जैसे कि अगर आप सपोज करें पहले ये जब 1 घंटे पढ़ के भी यहाँ पे इजीली एग्जाम को क्रैक कर रहा था, लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको यहाँ पे 10 10 घंटे भी यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, और भी ज्यादा कंपटीशन होगा तो और भी ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर हमें बात करें यूपीएससी के लिए या फिर जेई के लिए, तो उन एग्जाम्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं। देखो हार्ड वर्क तो यहाँ पे सीएसआर नेट जेआरएफ वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे
प्रिपरेशन नहीं करते या फिर वो हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि यूपीएससी का अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन और भी ज्यादा हो गया, तो इसी वजह से जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हो उनको यहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे कंपटीशन होगा उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे दो स्पीसीज है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जस्ट एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे कोई एक फूड हो गया और यही फूड क्या है, ए को भी खाना है और ये बी को भी खाना है। अब ये जो फूड है ना, ये सिर्फ इतना ही है कि या तो ये ए को ही खाए, मतलब ए ही इसको खा जाए, या फिर बी इसको खा जाए, किसी एक को ये फूड मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों इसके अंदर यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके बीच में यहाँ पे लड़ाई होगी इस फूड के लिए, ठीक है, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, और इन द एंड हमारे यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे सपोज करके चलते हैं, ए यहाँ पे जीत गया, लेकिन ए यहाँ पे यूं तो है नहीं कि सिर्फ ये यहाँ पे बी इस ए को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसने क्या किया कि बी को यहाँ पे किल कर दिया, इसको मार दिया बी को, बी तो हमारे यहाँ पे मर गया, इसको तो देखो नुकसान हो ही गया, नेगेटिव है ये तो, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ए था ना, इसको भी तो ऐसा नहीं है ना कि ये हमारे यहाँ पे यूं का यूं सर्वाइव कर गया हो, इसने कुछ तो इसके ऊपर अटैक किए ही होंगे, ठीक है, और अगर ये इसके ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहा है तो इसको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चोटें लगी होंगी, तो इसके ऊपर भी क्या हुआ होगा, नेगेटिव इफेक्ट तो इसके ऊपर भी आया होगा। अगर यहाँ पे बी होता ही नहीं तो इसको यहाँ पे सीधा फूड मिल जाता, पॉजिटिव इसके लिए रहता, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बी भी था तो इसने इसके ऊपर कोई तो यहाँ पे चोट लगाई होगी, तो इसकी वजह से इसको भी यहाँ पे नुकसान हुआ। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि दोनों स्पीसीज को, अगर हम यहाँ पे दो स्पीसीज का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे क्या होता है कि दोनों को यहाँ पे नुकसान होगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव हमारे यहाँ पे हमें इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, क्लियर है? तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन, कंपटीशन इज एन इंटरेक्शन दैट अफेक्ट बोथ स्पीसीज नेगेटिवली एज बोथ स्पीसीज कम्पीट ओवर फूड और अदर रिसोर्सेज। यहाँ पे फूड के लिए भी इनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, या फिर दूसरे रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। कंपटीशन में बी इंट्रा स्पेसिफिक बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। जैसे कि हमने पीछे बात की थी स्पीसीज इंटरेक्शन के बारे में, तो सिमिलर हमारे यहाँ पे कंपटीशन के लिए भी चलेगा कि अगर हमारे यहाँ जो कंपटीशन है वो हमारा अगर एक ही स्पीसीज के सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर यहाँ पे कंपटीशन होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक, और अगर हमारे यहाँ पे जो कंपटीशन है वो हमें डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर हम यहाँ पे देखने को मिलेगा तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक। जैसे कि हमने पीछे जो हमारा सेक्सुअल सिलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता था वहां पे हमने आपको बताया था कि वहां पे क्या था, जैसे कि एक यहाँ पे ये मेल हो गया, एक ये हो गया मेल, एक यहाँ पे थर्ड मेल और एक यहाँ पे फोर्थ मेल, और यहाँ पे जो फीमेल है वो यहाँ पे सिंगल ही है। अब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर फीमेल के लिए इनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन होगा, तो क्योंकि एक ही स्पीसीज के, ये चारों के चारों एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल है, तो एक ही स्पीसीज के जब यहाँ पे इंडिविजुअल्स के बीच में अगर यहाँ पे कंपटीशन होता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे कंपटीशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ये इंडिविजुअल हो गया और ये क्या है कि किसी पर्टिकुलर फूड के लिए इनका कंपटीशन चल रहा है, ये यहाँ पे फूड हो गया, ठीक है, और इसके लिए जब कंपटीशन है वो यहाँ पे किसके लिए साथ चल रहा है, इसका ए के साथ, ये हमारा किसी दूसरे स्पीसीज का इंडिविजुअल हो गया, तो इसके बीच में और फर्स्ट के बीच में जो यहाँ पे कंपटीशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटर स्पेसिफिक, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा कंपटीशन के भी दो टाइप होंगे, एक हमारे यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक और एक हमारे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक। कंपटीशन कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड एज एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन और इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन है उसके हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन हो सकता है या फिर हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस कंपटीशन भी हो सकता है। पहले अगर मैं बात करें एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन के बारे में, तो इसके अंदर क्या होगा, इन एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन ऑर्गेनिज्म कंपीट इनडायरेक्टली थ्रू कंज्यूमिंग ए लिमिटेड रिसोर्सेज ईच ऑब्टेनिंग एज मच एज पॉसिबल एज विद इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर वाटर और न्यूट्रिएंट इन द प्लांट। अब देखो पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन के बारे में, तो एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई रिसोर्सेज हो गया, यहाँ पे जैसे कि वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक यहाँ पे ये हमारा इंडिविजुअल हो गया, एक हमारा ये बड़ा इंडिविजुअल हो गया, उसके अलावा यहाँ पे हमारे डिफरेंट दूसरी एक स्पीसीज है जिसके हमारे यहाँ पे ये अलग अलग इंडिविजुअल हो गए, ठीक है, ये हमारे स्पीसीज टू से बिलोंग कर रहे हैं और ये हमारे यहाँ पे स्पीसीज वन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड है और ये वाले भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो अब ये क्या करेंगे, ये इनसे जितना यहाँ पे वाटर यहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा उसको ये यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, और जितना ज्यादा यहाँ पे ये वाटर को कंज्यूम करते रहेंगे तो उतना ही लॉस इसको भी होगा, क्योंकि जो यहाँ पे टोटल वाटर था, ठीक है, उसमें से कुछ वाटर तो ये रह गया, तो इसको जो यहाँ पे वाटर मिलना चाहिए था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो इसको अवेलेबल यहाँ पे वाटर होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें कि बी के लिए भी यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कुछ वाटर लेगा, ये भी यहाँ पे कुछ वाटर लेगा, तो एक तरीके से इनके बीच में यहाँ पे क्या चल रहा है, कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है एक रिसोर्सेज के लिए, और ये सब क्या कर रहे हैं, उस रिसोर्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
जितना इनसे यहाँ पे रिसोर्स को यहाँ पे एक्सप्लोइट किया जाएगा, जितना इनसे यहाँ पे इनको गेन किया जाएगा, वो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको गेन करेंगे और दूसरे के लिए यहाँ पे वह क्या होगा, वो नुकसानदायक होगा। ठीक है, इसने यहाँ पे इस वाटर को कुछ लिया लेकिन दूसरे के लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया ना रिसोर्स। तो इस तरीके का जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे कॉमन रिसोर्सेज होगा, और उस रिसोर्स को यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफरेंट स्पीसीज या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सप्लोइट करेंगे, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन। ठीक है, और एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन में हमारे यहाँ पे वही दो टाइप का रहेगा, एक हमारा इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और एक हमारे यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक भी होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे वन था, ठीक है, ये जो यहाँ पे वाटर को कंज्यूम कर रहा था, तो जो टू के साथ इसका जो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है इस वाटर रिसोर्सेज के लिए, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक, सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक, एक स्पीसीज के बीच में हो रहा है ना, और इसका जो कंपटीशन होगा ए वाले के साथ, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन एनिमल एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन अकर सिमिलरली सच एज व्हेन फ्लाई मैगोट्स कम्पीट फॉर फूड इन ए माउस कर्सेस ऑफ्टर नॉट ऑल इंडिविजुअल कैन कमांड इनफ फॉर द रिसोर्स टू सर्वाइव एंड ओनली ए फ्यू बिकम अडल्ट फ्लाई। व्हेन हर्बिवर इंसेक्ट को अकर इन ए होस्ट प्लांट दे मे कम्पीट ओवर रिसोर्स सच एज द लीव्स। अब यहाँ पे जैसे कि अगर सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा कोई ट्री हो गया एक, ठीक है, और ट्री के ऊपर हमारे यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट यहाँ पे अगर रह रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई ट्री है और इसके ऊपर हमारे यहाँ पे अलग अलग हर्बीवर अगर यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड है, तो जो यहाँ पे ए होगा, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे खा जाएंगे इस ट्री को, ठीक है, और बी को यहाँ पे क्या होगा, बी या फिर जो हमारे यहाँ पे ए होगा, डी होगा, इन सबको यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये हमारे यहाँ पे किस टाइप का कंपटीशन होगा, एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन, जिसके अंदर एक कॉमन यहाँ पे रिसोर्स होगा, उस कॉमन रिसोर्स का हमारे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होता रहेगा। ठीक है, दिस फोर्स इज यूटिलाइज्ड इनटू अग्रेसिव बिहेवियर दैट इज, सॉरी यहाँ पे हमारा ये आएगा पहले, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन इंडिविजुअल इंटरेक्ट डायरेक्टली विद वन अनदर बाय फिजिकल फोर्सेस और इंटिमिडेशन। देखो यहाँ पे तो हमारा क्या होता था, एक्सप्लोइटेशन हो गया था, एक हमारे यहाँ पे कॉमन रिसोर्स था और उसका हमारे यहाँ पे उसका एक्सप्लोइटेशन यहाँ पे चल रहा था। सेकंड हमारे यहाँ पे टाइप कौन सा होता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर हमारा क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे दो इंडिविजुअल थे, एक हमारे यहाँ पे ए हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, और एक फूड इनको यहाँ पे लेना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपस में यहाँ पे लड़ाई करेंगे, ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे फाइट करेगा, ये इसके साथ यहाँ पे फाइट करेगा, तो जो डायरेक्ट यहाँ पे इनकी जो फिजिकल यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन। जो हमारे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होता था उसके अंदर क्या करते थे कि इनकी डायरेक्ट यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं थी, ठीक है, डायरेक्टली ये इसके साथ यहाँ पे फाइट थोड़ी ना कर रहा था, ये तो यहाँ पे इस ट्री के ऊपर या फिर अगर यहाँ पे कोई हमारा वाटर रिसोर्स था उसको कंज्यूम कर रहा था, डायरेक्टली थोड़ी ना उसके साथ वो लड़ाई करके वहां पे लड़ाई कर रहा था, तो वो तो हमारा क्या हो जाता था, एक्सप्लोइटेशन। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ पे अगर दो ऑर्गेनिज्म या फिर दो स्पीसीज के बीच में अगर यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, डायरेक्टली उनके बीच में फाइट होगी, फिजिकल फोर्सेज अगर यहाँ पे यूज होगा, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। दिस फोर्स इज यूटिलाइज्ड इनटू अग्रेसिव बिहेवियर दैट इज एसोसिएटेड विद दैट टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ए यहाँ पे इसको अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा, ये इसको अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा, तो इनके बीच में जो यहाँ पे जो हमारा इंटरफेरेंस कंपटीशन होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि अग्रेसिव बिहेवियर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इन दिस इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सर्वाइव एंड टेक द बेस्ट टेरिटरी एंड वीकर वन पेरिश और एटलीस्ट सर्वाइव अंडर सब ऑप्टिमल कंडीशन। जो यहाँ पे जितना ज्यादा ताकतवर होगा वो उतना ही ज्यादा वहां पे क्या करेगा, जो रिसोर्सेज होगा या फिर जो बेस्ट टेरिटरी होगी, ठीक है, वहां पे वो सर्वाइव करेगा, और जो वहां पे दूसरा जो कि वीकर होगा उसको जो भी कंडीशन मिलेगी वहीं पे वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगा। इंटरफेरेंस कंपटीशन अकर मोस्ट कॉमनली इन द एनिमल, एनिमल्स के बीच में जो यहाँ पे हमें कंपटीशन देखने को मिलता है वो हमारा कौन सा होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन की, हम जो बात कर रहे थे, अब इनको यहाँ पे क्या पता चला कि जो ए है वो यहाँ पे इसमें से कुछ जैसे कि वाटर रिसोर्स हो गया, कुछ वाटर यहाँ पे यूज कर रहा था, बी भी यहाँ पे यूज कर रहा है, सी भी यहाँ पे यूज कर रहा है, डी भी यहाँ पे यूज कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, चलो अभी बाहर मीटिंग बुला लेते हैं, ठीक है, चारों बाहर आ जाओ और बाहर आके यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कितना ताकतवर है, आपस में यहाँ पे लड़ाई करेंगे, जो भी यहाँ पे जीतेगा ये वो जो वाटर होगा वो उसी का हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस कंपटीशन है वो हमें यहाँ पे मेजरली एनिमल्स के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एज कम्पेयर टू जो हमारे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन होगा। क्लियर है, बोथ इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मे बी कॉज्ड बाय द एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन और बोथ। जो हमारे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन या फिर इंटरफेरेंस या फिर दोनों के दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक या फिर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को यहाँ पे हमारे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिक्चर भी आपको बताया हुआ था। उसके बाद एक हमारे यहाँ पे आता है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे कंपटीशन से हमारे यहाँ पे इवॉल्व होकर आगे गया है, वैसे ही हमारे यहाँ पे एक अलग कंपटीशन के अंदर इसको यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, लेकिन ये हमारा जो कंपटीशन वाला जो यहाँ पे स्पीसीज इंटरेक्शन होता है उसी से हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरिलेट रहता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको पहले स्टडी करके चलते हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन टू स्पीसीज इज नॉट ऑलवेज इक्वल।
एक हमारे यहाँ पे ए स्पीसीज है, एक हमारे यहाँ पे बी स्पीसीज है, इनको यहाँ पे क्या चाहिए कि एक फूड यहाँ पे इनको चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ फाइट करेगा, ये इसके साथ यहाँ पे फाइट करेगा। अब हमने क्या बताया था कि इनमें से एक तो हमारे यहाँ पे स्ट्रोंगर होगा और एक हमारे यहाँ पे वीकर होगा, ठीक है, हो सकता है कि दोनों दोनों हमारे यहाँ पे इक्वल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे यहाँ पे क्या होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऑलवेज, जैसा नहीं है कि हमेशा ही हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे स्ट्रोंगर ही होंगे, ऐसा भी टाइम आएगा ना कि कहीं पे हमारा एक स्ट्रोंगर होगा दूसरा हमारे यहाँ पे वीकर होगा, ऐसा भी हमें यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। समटाइम वन स्पीसीज हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन अनदर, द रिवर्स इफेक्ट इज इनग्लिजिबल। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे ए है वो तो हमारे यहाँ पे स्ट्रोंगर है और बी यहाँ पे वीकर है, इसने इसको एक गोसा मारा, ठीक है, इसकी हालत यहाँ पे क्या होगी, कमजोर होगी, क्योंकि पहले ही कमजोर था, ठीक है, इसकी हालत यहाँ पे नाजुक होगी। अब इसने क्या किया, इसने भी इसको यहाँ पे एक पंच मारा, अगर इसने यहाँ पे इसको पंच मारा तो पहले वीक था, इसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ, इसने फिर से इसको पंच मारा, इसकी हालत और भी यहाँ पे वीक होगी, इसने फिर से इसको पंच मारा लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन था इसके अंदर में क्या हो रहा है कि जो बी है इसके ऊपर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ए है इसके ऊपर में यहाँ पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। तो इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा, दस सम इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग कंपटीशन आर ए नेगेटिव जीरो रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज द एमेंसलिज्म। और इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन होगा जिसके अंदर एक हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, एक हमारे यहाँ पे वीकर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक के ऊपर तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है लेकिन दूसरे के ऊपर हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमेंसलिज्म, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ सच एसिमेट्रिकल कंपटीशन कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स वेयर वन स्पीसीज प्रोड्यूस एंड सीक्रेट केमिकल फ्रॉम इट्स रूट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अनदर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक वैलनट जुगलेना निग्रा प्रोड्यूस ए केमिकल कॉल्ड जुगलोन फ्रॉम इट्स रूट किलिंग द रूट्स ऑफ द नेबरिंग प्लांट, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है और वो प्लांट क्या कर रहा है, बाकी प्लांट्स की ग्रोथ को यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है तो दूसरे प्लांट को यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट हुआ और इसको ऊपर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे एमेंसलिज्म होगा। दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज एलोपैथी, यानी कि एलोपैथी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एमेंसलिज्म का होगा। एंड द केमिकल इज कॉल्ड एज नोन एज द एलिलो केमिकल। द एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस व्हिच डायरेक्टली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड द अदर फंजाई इज क्लासिकल केस ऑफ एलिलोपैथी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फंगस है जो पेनिसिलिन की यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेनिसिलिन क्या करेगा, बैक्टीरिया और जो फंजाई होगी दूसरी फंजाई उनकी वहां पे ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, तो ये भी हमारा किसका केस आ जाता है यहाँ पे, एलिलोपैथी का। और जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि दो हमारे यहाँ पे जो टाइप के कंपटीशन होते हैं, एक हमारा जो एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन होता है, एक हमारे यहाँ पे जो इंटरफेस कंपटीशन होता है, तो उसकी अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। इंट्रा स्पेसिफिक हमारा क्या होता था, जो कि हमारा सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो कंपटीशन होता था, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप थे ना जो हमने बताए थे कंपटीशन के, हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक हमारे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होगा और एक हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा। तो पहले अगर हम बात करें एक्सप्लोइटेशन के लिए, इसके अंदर क्या होगा, ईच कैटरपिलर चूज एज मच लीफ एज इट कैन। ये क्या है कि यहाँ पे एक यहाँ पे लीफ हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे ये वाला हमारे यहाँ पे कैटरपिलर हो गया, एक यहाँ पे ये वाला कैटरपिलर हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये इस लीफ को यहाँ पे च्यू कर रहा है, इसको खा रहा है, ये भी इसको खा रहा है। अब जितना ज्यादा ये इसको खाता रहेगा इसको क्या होता रहेगा, यहाँ पे नुकसान होता रहेगा। तो इनके बीच में यहाँ पे जो एक कॉमन रिसोर्स के लिए जो यहाँ पे कंपटीशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे एक फूड सोर्स था और उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे एक्सप्लोइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसके अंदर क्या होता था, इच कैटरपिलर फिजिकली इंटीमिडेटेड द अदर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनके बीच में यहाँ पे फाइट चली हुई है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता था, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। और इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे दो टाइप हो जाएंगे, एक हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस और एक हमारे यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन जैसे कि एफिड्स एंड कैटरपिलर कंपीट फॉर द कॉमन रिसोर्स, ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे लीफ हो गया, पहले तो ये क्या कर रहे थे कि खुद की जो स्पीसीज थे उनके इंडिविजुअल के बीच में इनका यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरी स्पीसीज जैसे कि यहाँ पे एफिड्स अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके साथ जो इसका यहाँ पे कंपटीशन चलेगा कैटरपिलर का, वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाता है, ये हमारा होगा यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, बीटल एंड द कैटरपिलर यूज फिजिकल इंटिमिडेशन। यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे कैटरपिलर हो गया और एक यहाँ पे क्या हो जाता है, बीटल। इनके बीच में जो डायरेक्टली यहाँ पे फाइट जो चल रही है, WWE जो इनके बीच में यहाँ पे चल रही है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन, क्लियर है। तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप के हमारे यहाँ पे कंपटीशन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है अपेरेंट कंपटीशन, जो कि हमारा कंपटीशन का ही थर्ड टाइप रहेगा। इससे पहले जो हमने यहाँ पे दो टाइप पढ़े थे, एक हमारे यहाँ पे क्या होता था इंटरफेरेंस कंपटीशन और एक हमारे यहाँ पे क्या होता था एक्सप्लोइटेशन कंपटीशन। तो थर्ड हमारे यहाँ पे टाइप आता है अपेरेंट, और जो हमारे यहाँ पे अपेरेंट कंपटीशन होगा ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है।
अभी तक जो हमने यहाँ पे कंपटीशन पढ़े थे, एक हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस होता था, जिसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे ए इंडिविजुअल होगा वो हमारा दूसरे के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, और ये हमारे यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, और डायरेक्टली इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होती थी, फाइट चलती थी। ठीक है, डायरेक्टली फिजिकली इनके बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होता था, वो हमारे यहाँ पे क्या होता था, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक डायरेक्ट टाइप का हमारे यहाँ पे कंपटीशन हो गया। सेकंड हमारे यहाँ पे डायरेक्ट टाइप का कंपटीशन कौन सा होता था, एक्सप्लोटेशन, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे कॉमन रिसोर्स होता था। ये क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे ए इंडिविजुअल था वो हमारे यहाँ पे जो आर हमारे यहाँ पे रिसोर्स हो गया, इसको नेगेटिव यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है वो इसको क्या कर रहा था, एक्सप्लोइट ही तो कर रहा था, तो यानी कि इसका इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिसोर्स है वो इसको यहाँ पे क्या कर रहा होगा, वो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इसको इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है। सिमिलर जो हमारे यहाँ पे रिसोर्स है वो दूसरे इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या है, इसके लिए तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा इसके ऊपर क्या डाल रहा है, नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे डाल रहा है, और आपस में भी ये क्या है, एक दूसरे के लिए नेगेटिव होंगे। तो इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन हो गया, ये हमारा कौन सा होता था, एक्सप्लोटेशन कंपटीशन। थर्ड हमारे यहाँ पे टाइप कौन सा आता है, अपेरेंट कंपटीशन। ठीक है, और ये हमारा किस टाइप का होगा, एक टाइप का हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपटीशन होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए इंडिविजुअल और जो हमारे यहाँ पे बी इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही, ये हमारे इफेक्ट किसके थ्रू डालेंगे, एक कॉमन प्रेडेटर के थ्रू। अपेरेंट कंपटीशन अकर व्हेन टू इंडिविजुअल हु डो नॉट डायरेक्टली कम्पीट फॉर द रिसोर्स अफेक्ट ईच अदर इनडायरेक्टली, एक दूसरे के ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, कैसे, बाय बींग प्रे फॉर द सेम प्रेडेटर। इनके लिए जो यहाँ पे प्रेडेटर होगा या फिर इनका जो यहाँ पे जो एनिमी होगा ना, वो यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, और उसके थ्रू ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे या फिर एक दूसरे के साथ यहाँ पे कंपटीशन शो करेंगे। तो वो हमारे यहाँ पे किसमें आ जाएगा, अपेरेंट कंपटीशन के अंदर। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ए हॉक प्रेडेटर दैट प्रे ऑन द स्क्वेल एंड माइस। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पे हॉक हो गया जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक प्रेडेटर की तरह काम करेगा, किसके लिए, स्क्वेल्स और माइस के लिए। इन दिस रिलेशनशिप इफ द स्क्वेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज देन द माउस पॉपुलेशन मे बी पॉजिटिवली अफेक्टेड सिंस मोर स्क्वेल विल बी अवेलेबल एज द प्रे फॉर द हॉक। हाउएवर एन इंक्रीज स्क्वेल कंपटीशन मे बी इवेंचुअली लीड्स टू द हायर पॉपुलेशन ऑफ द हॉक रिक्वायरिंग मोर प्रे, दस नेगेटिवली अफेक्टिंग द माइस थ्रू इंक्रीज प्रेडेशन प्रेशर एज अ स्क्वेल पॉपुलेशन डिक्लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे हो गया हॉक, ये यहाँ पे हो जाती है स्क्वेल, और ये यहाँ पे हो गया माइस। अब स्क्वेल की अगर यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारे इनिशियली 10 थे, ये हमारे यहाँ पे 100 हो गए, ये यहाँ पे 100 हो गए, ये इनको यहाँ पे खाते थे। अब इनकी पॉपुलेशन अगर यहाँ पे 1000 हो गई, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हॉक थे उनको यहाँ पे इतनी ज्यादा यहाँ पे स्क्वेल मिल रही है कि उनको अब माइस की तरफ यहाँ पे जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से जब इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुई तो इसकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। बट अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हॉक को बहुत ज्यादा फूड यहाँ पे मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे इंक्रीज होगी, और अगर इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी तो एक टाइम पे जाने के बाद इनका क्या होगा, फूड डिमांड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब और भी ज्यादा अगर यहाँ पे इनको फूड चाहिए होगा तो अब स्क्वेल से तो इनका काम चलने वाला है नहीं, तो ये किसकी तरफ जाएंगे, ये वापस से जाएंगे किसकी तरफ, माइस की तरफ, और माइस की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे क्या होगी, अब इसके अंदर तो हमारा इंक्रीज नहीं हुआ था इतना ज्यादा, तो इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगी, डिक्लाइन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप से जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, अपेरेंट कंपटीशन के थ्रू, जिसके अंदर हमारा क्या है कि एक यहाँ पे कॉमन प्रेडेटर है और उसके थ्रू इनके अंदर यहाँ पे कंपटीशन चला हुआ है। हाउएवर एन इंक्रीज स्क्वेल पॉपुलेशन में इवेंचुअली लीड्स टू द हायर पॉपुलेशन ऑफ द हॉक। अगर यहाँ पे जो स्क्वेल की पॉपुलेशन है अगर वो वहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो हॉक की पॉपुलेशन होगी जो कि हमारे यहाँ पे प्रेडेटर है उसकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, रिक्वायरिंग मोर प्रे, और इनको क्या होगा और भी ज्यादा यहाँ पे फूड इनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ती जाएगी, और भी प्रे इनको चाहिए होंगे, दिस नेगेटिवली अफेक्टिंग द माइस थ्रू इंक्रीज प्रेडेशन प्रेशर एज द स्क्वेल पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, द अपोजिट इफेक्ट कुड ऑल्सो अकर थ्रू द डिक्रीज इन द फूड रिसोर्स फॉर द प्रेडेटर। अब अगर यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि स्क्वायर की पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे कितने थे, ये यहाँ पे 10 थे, ये यहाँ पे 100 थे, ये भी यहाँ पे 100 है। अगर इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हॉक होंगे वो अब किसके ऊपर डिपेंड होंगे, इनके ऊपर डिपेंड होंगे, तो इनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक दूसरे के ऊपर ये जो इफेक्ट डाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो यहाँ पे कंपटीशन शो कर रहे हैं कॉमन प्रेडेटर के थ्रू, तो वो हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, अपेरेंट कंपटीशन, यानी कि डायरेक्टली इनके बीच में देखो कोई कंपटीशन नहीं है, प्रेडेटर जो इनका कंपटीशन चला हुआ है वो किसके थ्रू चला हुआ है, प्रेडेटर के थ्रू। तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आ जाता है, एक तरीके से इनडायरेक्ट कंपटीशन के अंदर। इफ द स्क्वेल पॉपुलेशन डिक्रीज इट कैन इनडायरेक्टली लीड्स टू अ रिडक्शन इन द माउस पॉपुलेशन सिंस दे विल बी मोर अबंडेंट फूड रिसोर्स फॉर द हॉक। अगर इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगी, इनकर इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे 10 हो जाती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, माइस के ऊपर डिपेंड होंगे, तो इनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारे यहाँ पे थर्ड टाइप हो जाता है कंपटीशन का, जो कि हमारे यहाँ पे एक तरीके का इनडायरेक्ट कंपटीशन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक टॉपिक आता है कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये भी हमारा कहाँ से आएगा, ये भी हमारा कंपटीशन से निकल के आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस टू और मोर स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट एंड यूज ए सिंगल रिसोर्स। अब जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, हमारे यहाँ पे एक कॉमन रिसोर्स हो गया वाटर,
अब ए भी इसके ऊपर डिपेंड है और जो हमारे यहाँ पे 20 स्पीसीज है वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। अब अगर सेम ही दोनों के दोनों अगर इनकी सेम चीजें अगर यहाँ पे होगी, सेम ही अगर यहाँ पे इनकी रिसोर्सेज हो रही है और अगर सेम ही यहाँ पे इनकी लोकेशन है जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे कंपिटेटिव एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो हमारे यहाँ पे क्या कहता है कि इस तरीके से दो स्पीसीज हमारे यहाँ पे एक ही जगह पे जिनका कॉमन यहाँ पे रिसोर्सेज होगा वो हमारे यहाँ पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर दो हमारे यहाँ पे सेम स्पीसीज, सेम अगर दो हमारे यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज हो गई, ठीक है, एक ए हमारे यहाँ पे स्पीसीज, एक बी यहाँ पे स्पीसीज है, जिन रिसोर्सेज को ये यूज कर रहे हैं वो भी अगर यहाँ पे सेम होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलकर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि इनके बीच में तो यहाँ पे कंपटीशन चलेगा, ये कहेगा कि इसको मैं यूज करूंगा, ये कहेगा मैं इसको यूज करूंगा, तो ये इनके बीच में क्या होगा, एक पहले इनके बीच में यहाँ पे रिसोर्स के लिए चला हुआ था एक्सप्लोटेशन कंपटीशन, वो इस हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस कंपटीशन होगा। और जब इनके बीच में यहाँ पे इंटरफेरेंस कंपटीशन होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इनके बीच में फाइट होगी, और फाइट के अंदर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा वही हमारे यहाँ पे सर्वाइव करेगा, बी वाले को यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होता है कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब यहाँ पे कंपटीशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि एक का यहाँ पे एक्सक्लूजन हो जाएगा और उस एक्सक्लूजन को हम यहाँ पे क्या कहते थे कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेट कंसिडर थ्री डिफरेंट स्पीसीज, अब यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन स्पीसीज है, एक हमारे यहाँ पे हो गया परमेसियम ओरेलिया, एक हमारे यहाँ पे हो जाता है परमेसियम ब्रुसलिया और एक हमारे यहाँ पे हो जाता है परमेसियम कोरेटम। लेट ऑल दिस स्पीसीज वर फेड ऑन बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड दे वर फेड ऑन द ओट मील मीडियम इन ए कल्चर ट्यूब इन ए लेबोरेटरी। द बैक्टीरिया अकर्ड मोर इन द ऑक्सीजन रिच अपर पार्ट ऑफ द कल्चर ट्यूब एंड द यीस्ट इन द ऑक्सीजन पुअर लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब व्हेन ग्रो सेपरेटली। अगर मैं यहाँ पे जो हमारे तीन अलग अलग यहाँ पे हमने स्पीसीज ली हुई है परमेसियम की, एक हमारे यहाँ पे परमेसियम ओरेलिया हो गया, ब्रुसेरिया हो गया और एक हमारे यहाँ पे कोडेटम हो गया, अब तीनों हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज है उनको मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेपरेटली हम उनको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन ग्रोन सेपरेटली द पॉपुलेशन वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री परमेसियम स्पीसीज फॉलो ए लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। अगर हम इन तीनों को यहाँ पे अलग अलग इनको यहाँ पे ग्रो करते हैं तो इनके तीनों का क्या होगा कि वहाँ पे हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एस शेप कर्व हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे ओरेलिया के लिए होगा, एक हमारे यहाँ पे ब्रुसेरिया के लिए होगा और एक हमारे यहाँ पे कोडेटम के लिए होगा, ठीक है। इनकी अच्छी खासी यहाँ पे पॉपुलेशन चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात इनको यहाँ पे नहीं थी, जो इनका मैक्सिमम यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी था वहाँ तक इनकी यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन गोज कल्चर्ड पी कोडेटम एंड पी ओरेलिया, पी कोडेटम वर एक्सटिंक्ट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने दो स्पीसीज को, एक हमारे यहाँ पे जो कोडेटम है और एक वहाँ पे हमारी जो ओरेलिया है, इन दोनों को उन्होंने एक साथ यहाँ पे कल्चर किया। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने पी ओरेलिया और पी कोडेटम इन दोनों को उन्होंने यहाँ पे एक ही साथ उन्होंने यहाँ पे कल्चर किया, और जब इन्होंने यहाँ पे इन दोनों को एक साथ यहाँ पे कल्चर किया तो उन्होंने क्या देखने को मिला कि जो पी कोडेटम यहाँ पे जो हमारी स्पीसीज थी वो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई थी। जब सेपरेटली हमने यहाँ पे कोडेटम को ग्रो किया था तो यहाँ पे ये नॉर्मल एस शेप्ड कर्व यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, ओरेलिया का भी यहाँ पे हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन जब हमने यहाँ पे ओरेलिया और जो हमारे यहाँ पे कोडेटम इन दोनों को एक साथ जब हमने यहाँ पे कल्चर किया तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो ओरेलिया है वो तो हमारे यहाँ पे ग्रो कर गई लेकिन जो कोडेटम है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है एक्सटिंक्ट हमारे यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गई ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है। बोथ स्पीसीज यूटिलाइज बैक्टीरिया एज फूड बट पी ओरेलिया ग्रो 6 टाइम फास्टर देन द पी कोडेटम एंड कुड बेटर कन्वर्ट द फूड इनटू द ऑफस्प्रिंग। जो हमारे यहाँ पे ओरेलिया है ये इसके कंपेयर में यहाँ पे इसके अंदर जो ग्रोथ हमें देखने को मिली वो 6 टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और ये हमारी जो कोडेटम जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है पैरामिसियम कोडेटम वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी ये हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाती है। अब ये हमारे यहाँ पे किस वजह से हो रहा है, ये हमारा जो हम यहाँ पे प्रिंसिपल की जो बात कर रहे हैं ना कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही हमारे यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे क्या था कि फूड हमारा यहाँ पे जब क्या हो गया था, पहले तो एक ही हमारे यहाँ पे स्पीसीज होती थी, जितना ही फूड था वो इसी का था, सिमिलर इसके लिए भी जितना फूड था वो हमारे यहाँ पे कोडेटम के लिए था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि फूड हमारे यहाँ पे लिमिटेड हो गया। अब इस फूड को जो भी हमारे यहाँ पे बेटर यूज कर पाएगा, अब इनके बीच में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे ओरेलिया और जो हमारे यहाँ पे कोडेटम है इनके बीच में हमारे यहाँ पे कंपटीशन चला। अब जो भी फूड को जितना अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यहाँ पे यूज कर पाएगा, ठीक है, वही हमारे यहाँ पे सर्वाइव करेगा। ओरेलिया ने यहाँ पे इसको एफिशिएंटली यूज किया तो ये हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है, लेकिन कोडेटम इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाया तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे जाके सर्वाइव कर सके, इस जगह पे तो हमारे यहाँ पे जो ओरेलिया होगा वो इसको यहाँ पे सर्वाइव नहीं करने देगा, ठीक है। जैसे कि फिल्मों में नहीं होता था, एक हमारे यहाँ पे विलन होता है एक यहाँ पे हीरो होगा, तो विलन क्या करेगा जो भी हमारे यहाँ पे जो आम जनता होगी उनको परेशान करेगा और उनको वहां से भगा देगा, ठीक है। फिर वहां पे हीरो आता है तो वो क्या करता है फिर से हमारे यहाँ पे कंपटीशन चलेगा हीरो और विलन के बीच में, तो इनके बीच में क्या होगा कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चलेगा, तो यहाँ पे जो हमारा हीरो होगा वो इससे ज्यादा यहाँ पे ताकतवर होगा स्ट्रॉन्गर होगा तो इसको भी वो क्या करेगा यहाँ से भगा देगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों हीरो और विलन है वो एक साथ तो यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होता था कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे चलता है, ठीक है। पी ओरेलिया ग्रो 6 टाइम फास्टर देन द पी कोडेटम एंड कुड बेटर कन्वर्ट द फूड इनटू द ऑफस्प्रिंग।
व्हेन पी कोडेटम एंड पी बुर्सेरेरिया वर टुगेदर। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि अब की बार हमने यहाँ पे पी कोडेटम और पी बुर्सेरेरिया इन दोनों को हमने यहाँ पे एक साथ यहाँ पे ग्रो करवाया, नेदर वेंट एक्सटिंक्ट। अब यहाँ पे किसी का भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, जब हमने कोडेटम को ऑरेलिया के साथ रखा था, जब हमने यहाँ पे कोडेटम को ऑरेलिया के साथ रखा तब तो ये बेचारा यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कोडेटम को बुर्सेरिया के साथ अब की बार हमने यहाँ पे रखा, और अब की बार क्या हो रहा है कि कोई भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा, ना तो ये हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहा ना ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहा, दोनों आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही थी, यहाँ पे हमारा 100 तक यहाँ पे जो इसके अंदर ग्रोथ हुई थी, यहाँ पे हमारी 150 तक के आसपास यहाँ पे जो ग्रोथ हुई थी, वो हमें किसी के अंदर भी नहीं देखने को मिल रही, यानी कि इनकी जो दोनों की यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो तो हमारे यहाँ पे देखो कम हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इनके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, इफेक्ट तो नेगेटिव देखो दोनों के ऊपर हुआ है, हमने बताया था ना कंपटीशन का नेगेटिव तो दोनों के ऊपर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो एरिया होता था उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे 200 के अराउंड जा रहा था, अब की बार ये 150 के अराउंड जा रहा था, तो देखो नेगेटिव इफेक्ट तो दोनों के ऊपर ही हमारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब की बार जो यहाँ पे कोडेटम और जो बुर्सेरिया हमारे यहाँ पे है, वे हमारे कोई भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा, यानी कि अभी भी इनके बीच में ऐसा नहीं है कि एक हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे स्ट्रोंगर है, दूसरा हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा वीकर है, ऐसा नहीं है, दोनों अपनी तरफ से अच्छा खासा यहाँ पे जोर लगा रहे हैं और दोनों यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों के दोनों जहाँ पे हमारा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक कैंडिडेट होगा उतना ही ज्यादा हमारा वहाँ पे कम्पिटेटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल हमारा वहाँ पे रूल करेगा। द पॉपुलेशन वॉल्यूम ऑफ ईच वर मच लोअर वेन दे वर ग्रोन अलोन बिकॉज सम कॉम्पिटिशन अकर्ड बिटवीन दैम। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड दैट स्पीसीज विद एग्जैक्टली सेम रिक्वायरमेंट कैन नॉट लिव टूगेदर इन द सेम प्लेस एंड यूज सेम रिसोर्सेज दैट इज ऑक्यूपाई द सेम निश। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो हमारे यहाँ पे सेम स्पीसीज, दो हमारे यहाँ पे स्पीसीज हो और दोनों की जो रिक्वायरमेंट हो वो सेम हो, एक ही साथ वो हमारे वहाँ पे नहीं रह सकती एक ही जगह पे, ठीक है, अगर वो सेम रिसोर्स को यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सेम नीस के अंदर हमारे यहाँ पे नहीं रह सकते। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच एसेंशियली मीन्स दैट कंप्लीट कम्पिटेटर कैन नॉट एक्जिस्ट। अगर यहाँ पे हमारे दो कंप्लीट यहाँ पे अगर कम्पिटेटर होते हैं, कंप्लीट कम्पिटेटर का मतलब क्या होगा कि वो सेम जगह पे ही है, सेम ही रिसोर्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेम फूड को अगर यहाँ पे खा रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे नहीं रह सकते। स्पीसीज में अवॉइड कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन बाई पार्टिशनिंग रिसोर्सेज और बींग ऑफ डिफरेंट साइज विच परमिट दैम टू फीड ऑन द डिफरेंट साइज रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारी दो स्पीसीज अगर रह रही थी ए और बी, अगर ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर है, ये हमारे यहाँ पे वीकर है, तो जो हमारे यहाँ पे वीकर होगा वो यहाँ पे सर्वाइव कब कर पाएगा, जब ये अपनी जो फीडिंग हैबिट होगी, ठीक है, या फिर जो इसके यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसको चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको एक ही प्लांट एक ही यहाँ पे ट्री है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई जेट ट्री हो गया, अगर ये इसी को खाएगा ये भी इसी को खाएगा तो इनके बीच में कंपटीशन होगा और ये हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर था तो ये तो हमारे यहाँ पे मर जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेगा कि बी अपनी फीडिंग हैबिट को ही चेंज कर लेगा, ये क्या करेगा वाई के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, तुम जेड को खा लो मैं तो इसको भी खा लूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो हमारे वहाँ पे क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ वहाँ पे कोएग्जिस्ट कर पाएंगे, कब कर पाएंगे जब तक वो वहाँ पे अपने फीडिंग हैबिट को या फिर अपने जो निश रहेगा उसको वहाँ पे चेंज करेंगे, अगर सेम यहाँ पे कंप्लीट कंपिटेटर होंगे तो वो वहाँ पे एक साथ एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद एक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है निष्कई, और निष के हमारे यहाँ पे क्या होते हैं दो हमारे यहाँ पे टाइप होते हैं, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे होता है फंडामेंटल निष, फंडामेंटल निष, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे होता है जो हमारा एक्चुअल निष होगा, ठीक है, और एक्चुअल निश को हम यहाँ पे रियलाइज्ड निश भी हम यहाँ पे बोलते हैं, रियलाइज्ड निश, ठीक है। देखो ये किस तरीके से होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक लोकेशन है यहाँ पे हो गई ए हो गई, ठीक है, और इसके अंदर क्या था कि एक हमारे यहाँ पे ए था और एक हमारे यहाँ पे बी था, दोनों एक साथ यहाँ पे मिलकर रह रहे थे, ठीक है। अब क्या था कि सपोज करके चलते हैं पहले यहाँ पे बी नहीं था, ठीक है, और ए के लिए सारा का सारा एरिया यहाँ पे बचा हुआ था, ये कहीं पे भी जाके कहीं पे भी रह सकता था कोई दिक्कत वाली बात इसके यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट जो एरिया यहाँ पे था ये तो इसके लिए हमारा क्या हो गया था यहाँ पे फंडामेंटल निश हो गया, जब इसके साथ यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन की अब्सेंस में, जब यहाँ पे हमारा कंपटीशन क्या है अब्सेंट है, तो उस टाइम पे जो इसका यहाँ पे कंप्लीट जो निश होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है फंडामेंटल निश, जहाँ पे ये आराम से घूम सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे कोई कंपटीटर इसका आ गया, ठीक है, और बी ने क्या किया कि अब इसके लिए यहाँ पे जो एरिया था उसको यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई अब तो अपने एरिया में रे, यहाँ पे आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा अपने एरिया को यहाँ पे क्या कर लेगा जहाँ पे इसकी मूवमेंट होगी उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, कंपटीशन जब यहाँ पे आया तो उसने क्या किया अपने यहाँ पे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया, और ये जो एरिया हुआ इसका
ठीक है, पहले तो ये यहाँ पे भी घूम रहा था, लेकिन जब कंपटीशन यहाँ पे हुआ तो इसका जो एरिया यहाँ पे था वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, और जो ये यहाँ पे इसका जो एक्चुअल में यहाँ पे अब जो एरिया होगा वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, रियलाइजनेस। ठीक है, कंपटीशन की प्रेजेंस में जो हमारे यहाँ पे रियलाइजनेस होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रियलाइजनेस। ठीक है, और ये हमारा कब होता है, जब हमारे यहाँ पे कंपटीशन प्रेजेंट होगा, कंपटीशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रियलाइजनेस। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब हमारे यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा तो उस टाइम पे जो हमारा निश होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, फंडामेंटल, और जब हमारे यहाँ पे कंपिटिटर प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रियलाइजनेस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन केस का एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक ए पर्सन रह रहा था, ठीक है, ये इसका यहाँ पे पूरा गांव था, ये कहीं पे भी जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी किसी के साथ यहाँ पे लड़ाई हो गई, बी के साथ इसकी यहाँ पे लड़ाई होगी, तो इसका जो एरिया होगा वो भी यहाँ पे क्या हो गया, वो भी यहाँ पे तो आराम से नहीं घूम सकता, अगर ये यहाँ पे जाएगा तो ये इसको पीट देगा। तो अब यहाँ पे इसने एरिया को क्या कर लिया, अपना रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर लिया, ये यहीं पे घूम रहा है लेकिन इस वाले एरिया में ये नहीं जा रहा, तो ये इसका जो यहाँ पे एरिया हो जाएगा ये यहाँ पे क्या हो गया, फंडामेंटलनेस, और ये जो पहले यहाँ पे इसका एरिया होता था वो यहाँ पे क्या हो जाता था, फंडामेंटलनेस। ठीक है, ये सॉरी इसका रियलाइजनेस होगा, ठीक है, ये जो एरिया हुआ ये रियलाइज, और ये वाला इसका क्या हो जाता है यहाँ पे, फंडामेंटलनेस हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बेस पे हमारे यहाँ पे एक नेक्स्ट यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है रिसोर्स पार्टनरशिप। ठीक है, और रिसोर्स पार्टनरशिप हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट इज द फेनोमेना ऑफ निश डिफरेंशिएशन अमंग स्पीसीज दैट परमिट सिमिलर स्पीसीज टू को एग्जिस्ट इन ए कम्युनिटी। एक हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे सिमिलर स्पीसीज को एग्जिस्ट यहाँ पे रह रही है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे जैसे हमने क्या बताया, जो हमारे यहाँ पे पीछे जो हमारा कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता था वो हमारा क्या कहता था कि अगर हमारे यहाँ पे कोई दो स्पीसीज है और उनका सेम अगर यहाँ पे निश होता है तो वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वो अगर यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रही है एक दूसरे के साथ अगर यहाँ पे रह रही है तो वो किस तरीके से रहेंगी, जब उनकी फीडिंग हैबिट या फिर उनका जो निश होगा वो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके अंदर वो चेंज करेंगे। ठीक है, और यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स पार्टनरशिप। रॉबर्ट मैकआर्थर एग्जामिन्ड को एग्जिस्टेंस बिटवीन द फाइव स्पीसीज ऑफ वार्बल्स फीडिंग ऑन द स्पर्स ट्री। यहाँ पे एक स्पर्स ट्री है जिसके ऊपर हमारे यहाँ पे वार्बल्स की पांच अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे को एग्जिस्ट में यहाँ पे रह रही है, ऑल बिलोंग टू द जीनस डेंड्रोइका एंड वर मेंबर ऑफ द सेम फीडिंग गिल्ड। इनकी सेम फीडिंग यहाँ पे हैबिट है। मैकआर्थर डिवाइडेड द ट्री इंटू द 16 जोन्स एंड रिकॉर्डेड द फीडिंग पोजिशन ऑफ डिफरेंट वार्बल्स इन ईच। मैकआर्थर फाउंड फोर स्पीसीज ऑक्यूपाइड डिफरेंट हाइट एंड पोर्शन इन द ट्री, ईच प्रोबेबली फीडिंग ऑन द डिफरेंट रेंज ऑफ इंसेक्ट्स। इन एडिशन वार्बल्स फॉरेजिंग हैबिट डिफर्ड। द कैप में वार्बल्स अटैक फ्लाइंग इंसेक्ट मोर देन द ब्लैक बर्न एंड टेंडेड टू रिमेन आउटसाइड द ट्री। इट दस गेन ए टेम्पररी एडवांटेज इन द नंबर ओवर द अदर स्पीसीज ड्यूरिंग फॉरेजिंग प्रमोटिंग को इट्स को एग्जिस्टेंस। देखो यहाँ पे ये जो पांच हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमारी अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे रह रही है एक ही ट्री के ऊपर, तो उनके यहाँ पे किस तरीके से वो रह रही थी कि उनकी जो फीडिंग हैबिट था ना वो वहाँ पे चेंज हो गई। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो कोप में वर्बल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो फ्लाइंग इंसेक्ट के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो उसके ऊपर बैठ रहे थे उनके ऊपर अटैक वो नहीं कर रहे, वो किसके ऊपर कर रहे हैं, फ्लाइंग वाले के ऊपर। और बाकी के जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो चार हमारी स्पीसीज रह गई वो हमारे क्या कर रही थी, किसी दूसरे हैबिट वाले के ऊपर अफेक्ट कर रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि वो जिसके ऊपर अटैक कर रहे हैं जो उनका फूड है वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंजेस कर लिए, पार्टनरशिप अपनी कर ली, उन्होंने अपना अपना एरिया यहाँ पे कवर कर लिया कि आप इस एरिया के अंदर रहोगे अब हम इस एरिया के अंदर, या फिर अगर हम फीडिंग हैबिट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस तरीके का जो फूड आएगा उसको तो मैं खा जाऊंगा और दूसरे टाइप का अगर कोई फूड होगा तो उसका कोई दूसरा जना खा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक हमारे यहाँ पे ए हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी हो गया, एक हमारे यहाँ पे सी, एक हमारे यहाँ पे डी और एक हमारे यहाँ पे ई। अब इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली कि अगर फर्स्ट टाइप का अगर हमारे यहाँ पे फूड होगा तो इसको ये खा जाएगा, सेकंड टाइप के फूड को ये खाएगा, थर्ड टाइप के फूड को ये खाएगा, फोर्थ वाले को ये खाएगा, फिफ्थ वाले को ये खाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे को एग्जिस्टेंस फॉर्म में रह रहे थे। और ये जो यहाँ पे रिसोर्सेज के पार्टनरशिप जो यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कर दिया कि जो यहाँ पे पास का जो तालाब हुआ वाटर उसके ऊपर तो ये वाला रहेगा, ठीक है, जो दूसरा यहाँ पे जो वाटर रिसोर्स होगा इसके ऊपर ये रहेगा, थर्ड वाले के ऊपर ये रहेगा, फोर्थ के ऊपर ये, फिफ्थ के ऊपर ये। जैसे कि ह्यूमन नेचर के अंदर नहीं होता, जब यहाँ पे एक घर है उसका अगर यहाँ पे बंटवारा होता है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको यहाँ पे आपस में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक ए यहाँ पे हो गया एक बी, ये दोनों भाई भाई थे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनके बीच में यहाँ पे बंटवारा हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, जो भी जमीन होगी घर होगा जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे डिफरेंट रिसोर्सेज उनके यहाँ पे पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पहले क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज थी एक दूसरे के साथ यहाँ पे रह रहे थे और इनका जो यहाँ पे निश था वो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा था। तो इन्होंने कहा था कि भाई ऐसे तो देखो बात बनेगी नहीं, या तो आपस में लड़ाई कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है, या फिर क्या कर लेते हैं अपने अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे लिमिटेड कर लेते हैं, मैं बस इतना ही एरिया में रहूंगा, मैं इतने एरिया में रहूंगा, मैं इतने। पहले इनका पूरा बड़ा यहाँ पे घर हुआ करता था, ये कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब इन्होंने यहाँ पे अपने अपने घर को यहाँ पे बांट लिया
अलग अलग हिस्सों में, और इनका जो यहाँ पे कवरिंग जो एक दूसरे के साथ जो यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो एरिया वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिसोर्स पार्टनरशिप। क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक आ जाता है इसी से निकलता हुआ, एक करेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इनमें क्या हुआ था कि रिसोर्स पार्टनरशिप यहाँ पे हुई थी ना, उसी के बेस पे क्या होता है कि अगर ये यहाँ पे अलग अलग घर बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ह्यूमन नेचर की बात की थी, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग यहाँ पे घर बना लिए। अब पहले तो क्या होता था कि पूरा बड़ा इनका यहाँ पे एरिया होता था, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर इनके अलग अलग यहाँ पे घर हो जाते हैं, पहले तो देखो क्या होता था कि जैसे यहाँ पे एक ए और बी था, ये दोनों के दोनों यहाँ पे आपस में मिलके रहते थे, दोनों भाई थे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ था, एक यहाँ पे इनका कमरा था, एक यहाँ पे इनका कमरा हो गया, एक ये यहाँ पे कमरा हो गया, एक यहाँ पे किचन हो गया था, ठीक है, एक यहाँ पे बैठक हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अलग अलग घर यहाँ कमरे यहाँ पे बनाए हुए थे और आपस में क्या कर रहे थे, कॉमन यूज इनका ये कर रहे थे इनका। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे तो इनकी पार्टनरशिप कर ली, तो अब क्या होगा, इनको भी यहाँ पे किचन की रिक्वायरमेंट होगी, इनको यहाँ पे अलग कमरे की, एक अलग स्टोर की यहाँ पे जरूरत होगी। तो ये क्या करेंगे, अपने जो करेक्टर होंगे, अपना जो यहाँ पे मकान होगा, उसका यहाँ पे क्या कर लेंगे, डेवलप करेंगे उसको। ठीक है, चेंजेस उसके अंदर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये यहाँ पे रसोई बनाएगा, ये यहाँ पे एक स्टोर बनाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने अपने रिसोर्सेस को यहाँ पे फर्दर और ज्यादा यूज करने के लिए यहाँ पे अपने अंदर चेंजेस क्रिएट करेंगे। और जो ये चेंजेस यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो हमने जैसे ह्यूमन नेचर की बात की थी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे तीन अलग अलग यहाँ पे स्पीसीज हो गई, ये पहले तो एक दूसरे के साथ रह रही थी, लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर यहाँ पे इंक्रीज होने स्टार्ट हुए, तो फूड तो यहाँ पे कम ही था, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी फीड हैबिट के अंदर इन्होंने यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फीडिंग हैबिट के अंदर जैसे इनके यहाँ पे अंदर चेंज आएगा, तो इनके अंदर भी हमारा देखो, पहले तो ये अलग अलग फूड को ही खा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी जो फीडिंग हैबिट थी ना, वो इनके अंदर एक इवोल्यूशनरी चेंज इनके अंदर लेके आ गई। जैसे कि इनके जो बिल थे, जो इनके यहाँ पे चोच होते थे, उसके अंदर यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, या फिर इनके जो टीथ पैटर्न होगा उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो करेक्टर के अंदर जो चेंज आ रहे हैं ना, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। इट इज द डाइवर्जेंस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू अदरवाइज सिमिलर स्पीसीज वेयर देयर रेंज ओवरलैप कॉज्ड बाई कंपिटिशन बिटवीन द स्पीसीज इन द एरिया ऑफ द ओवरलैप। वेन स्पीसीज वर सिमपैट्रिक, ईच स्पीसीज टेंडेड टू स्पेशलाइज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जो हमारे यहाँ पे करेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब हमारे यहाँ पे सिमपैट्रिक स्पीशन होगा, या फिर सिमपैट्रिक अगर हमारे दो स्पीसीज एक ही जगह पे अगर रह रही होगी, अगर वो अलग अलग जगह पे रह रही है, जैसे ये हमारा एलोपैट्रिक होता है, एलोपैट्रिक में क्या होता है कि एक हमारा अलग जो एक स्पीसीज है वो हमारी अलग जगह पे रह रही है, दूसरी हमारी अलग जगह पे रह रही है, तो उनके अंदर हमारे यहाँ पे करेक्टर डिस्प्लेसमेंट की कोई नीड है ही नहीं। ठीक है, दिस वॉज रिफ्लेक्टेड बाई डिफरेंस इन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट एसोसिएटेड विद द फीडिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज द फीडिंग करेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि अगर दोनों के दोनों अगर एक जगह पे रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने फीडिंग हैबिट के अंदर चेंज क्रिएट करेंगे, अलग अलग फूड के ऊपर डिपेंड होंगे। तो वो जो फीडिंग हैबिट के अंदर जो चेंज आ रहा है ना, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, फीडिंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, थ्री स्पीसीज, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, थ्री स्पीसीज जियोस्पिजा फ्यूलिजियोनोसा, जियोस्पिजा फोर्टिस, जियोस्पिजा मैग्निफ्यूटोरिस। ठीक है, तो ये हमारे क्या कर रहे थे, आर सिमपैट्रिक ऑन द आइसलैंड ऑफ द पिंटा एंड मार्केना, देयर बिल डेप्थ आर डिफरेंट। ये जो हमारी तीन अलग अलग जो स्पीसीज है, ठीक है, ये हमारी एक साथ यहाँ पे रह रही है, लेकिन जो इनकी बिल डेप्थ है ना, वो यहाँ पे डिफरेंट है, इनकी फीडिंग हैबिट यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। जो यहाँ पे इनकी बिल साइज, जैसे कि यहाँ पे इसकी बिल साइज छोटी है, ये यहाँ पे मीडियम, ये यहाँ पे लार्ज, तो इसके बेसिस पे क्या हो गया कि इनकी जो फीडिंग हैबिट है ना, उसके अंदर भी यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे जी फ्यूलिजोनसा थे, इसके अंदर क्या होगा, एज ए स्मॉलर बिल डेप्थ विच इनेबल इट टू क्रैक स्मॉल सीड्स मोर एफिशियंटली। ये हमारा स्मॉल सीड्स के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जी फोर्टिस, ये हमारा क्या हैज ए लार्जर बिल डेप्थ विच इनेबल इट टू फीड ऑन द बिगर सीड्स। ये हमारा जो ऑफिस फोर्टिस वाला है, इसके अंदर जो बिल डेप्थ होगी, ये हमारे यहाँ पे इसके कंपेयर में ज्यादा होगी, तो इसी वजह से ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे बिगर सीड्स होंगे। जी मैग्निरोट्सिस, ये हमारा इसके अंदर क्या हो रहा हैज एन इवन लार्जर बिल साइज, इसके अंदर और भी ज्यादा यहाँ पे बिल साइज हो गया, तो ये हमारा और भी बड़े जो यहाँ पे सीड्स होंगे उनके ऊपर ये डिपेंड हो रहा है। हाउ एवर वेन दीज लेटर टू स्पीसीज आर एलोपैट्रिक दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन द डिफरेंट आइसलैंड, देयर बिल आर मोर सिमिलर इन डेप्थ। अगर जो हमारे यहाँ पे फोर्टिस और जो हमारे यहाँ पे मैग्निसोर्सिस हैं, अगर ये अलग अलग अगर यहाँ पे अगर आइसलैंड के ऊपर रह रही है, ये हमारे एक ए आइसलैंड के ऊपर, ये बी आइसलैंड के ऊपर अगर रह रही है, तो इनकी जो बिल डेप्थ है उनके अंदर हमें ज्यादा चेंजेस यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगी, सिमपैट्रिक में रहेंगी, तो इनकी बिल डेप्थ के अंदर हमारे यहाँ पे चेंज जरूर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जब ये हमारे एक दूसरे के साथ जब यहाँ पे रह रहे हैं को एग्जिस्टेंस में, तो ये अपने करेक्टर के अंदर क्या करेंगे, चेंजेस यहाँ पे करते हैं, और उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। लैक कंक्लूडेड, यहाँ पे लैक जो है वो साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, लैक कंक्लूडेड दैट द बिल डेप्थ डिफरेंस इवॉल्व इन वेज दैट मिनिमाइज द कंपटीशन। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि ये अलग फूड के ऊपर डिपेंड है, ये अलग फूड के ऊपर, ये अलग फूड के ऊपर, तो इनके बीच में जो कंपटीशन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा।
इन एरियाज वेयर स्पीसीज आर एलोपैट्रिक, देयर वॉज नो नीड टू स्पेशलाइज ऑन द पर्टिकुलर प्रे टाइप, सो साइज ऑफ द फीडिंग करेक्टर डू नॉट इवॉल्व टू बिकम लार्जर और स्मॉलर। अगर वो अलग अलग जगह पे अगर रह रहे होंगे तो उनको यहाँ पे अपने फूड को स्पेशलाइज करने की कोई नीड है ही नहीं, तो उसके अंदर भी हमारे यहाँ पे करेक्टर डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो तो आप इन बुक्स के थ्रू या फिर इन रेफरेंसेस के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और जो हमने यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी यूज किया है वो भी हमने इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू और जो हमारे यहाँ पे पीडी स्टेलिंग के जो इकोलॉजी ग्लोबल इंसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन की जो बुक है उससे हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR, NET JRF, DBT, BET JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।